विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। सब्जेक्ट ऑफ वीडियो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 1 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके पूर्व के दो वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सेक्शन ए के किए हैं, सेक्शन ए के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर रहे हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के YouTube चैनल से पढ़ के ले सकते हैं। उसके बाद यह जो वीडियो बन रहा है या मल्टीपल चॉइस या फिर इन द ब्लैंक के क्वेश्चन, इनको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर। ए वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू VP वर्टिकल प्लेन। ये देखिए स्क्वायर प्रिज्म है, यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म अलग हो गया, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, मतलब यही बचा। और ये परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल सॉलिड, ये देखिए ये भी चारों सॉलिड है, बट ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, यानी ये बार बचा, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ए हेमिस्फीयर रेस्टिंग ऑन HP विथ इट्स सर्कुलर फेस ऑन इट। ये देखिए इसमें ये और ये हेमिस्फीयर है और ये इसका सर्कुलर फेस है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, मतलब ये वाला आंसर होगा। ये इन्वर्टेड सॉलिड, ये देखिए सॉलिड में इन्वर्टेड मतलब पिरामिड ही हों का ही हो सकता है, क्योंकि इसी का एपेक्स होता है, तो ये एपेक्स है, तो ये वर्टिकल पोजीशन में है, ये इन्वर्टेड में, मतलब यह सॉलिड जो होगा ये इन्वर्टेड होगा। ए सॉलिड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्ग एज, लंबे एज में, ठीक है। ये देखिए ये अपना बेस पर है, ये किसका जो साइड है, एक साइड पर है, ये भी अपने एक साइड पर है, ये अपने सर्कुलर पार्ट पर, सिर्फ एज पर, एज देखिए ये एज है, जैसे ये एज है, ये एज या ये एज है, तो वैसे ये एक एज पर ये है, यानी आंसर इसका बी होगा। ये वर्टिकल हेक्सागोनल पिरामिड, ये देखिए ये स्क्वायर है, पेंटागन है, ट्रेंगुलर है, यानी हेक्सागोन है, यानी इसका वर्टिकल हेक्सागोनल पिरामिड होगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए हॉरिजेंटल स्क्वायर, हॉरिजेंटल स्क्वायर, ये देखिए हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम जो क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन, रिफरेंस लाइन बना के इससे 30-30 खींचते हैं, 30-30 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वाला ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले लीजिए और यहाँ से 30 या 30 का इंक्लाइनेशन है, मतलब ये वाला जो होगा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होगा। ओके, थैंक यू।